सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और मैं फिर से बताती हूँ कि मैं संगीता गौर उत्तराखंडी ब्लॉक ग्राम कुरूल नंदा नगर घाट चमोली उत्तराखंड से हूँ। और गाइज आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ही होंगे, माँ नंदा देवी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। और मैं आप लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फिर से मैं आज नई वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे हस्बैंड 2 हफ्ते बाद दिल्ली से वापस आए हैं। वैसे 3 दिन में सामान लेके आ जाते हैं, लेकिन इस चक्कर वो 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं। तो गाइज मैं अभी शॉप की तरफ जा रही हूँ, और शॉप जा रही हूँ क्योंकि वो सुबह 8 बजे शॉप पे पहुँच चुके हैं। तो मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड कल रात 8 बजे वहाँ से गाड़ी में बैठ गए थे, और सुबह 8 बजे वो यहाँ पहुँच गए हैं शॉप पे। तो उन्हें मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ, बैग भी, ये बैग है, इसमें मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ। तो आज मैं आराम से ही जा रही हूँ क्योंकि शॉप उन्होंने ही खोल दी है। 2 हफ्ते से मैं अकेले ही शॉप पे थी, और घर को भी संभाल रही थी और शॉप को भी संभाल रही थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आराम से जा रही हूँ और नाश्ता लेके जा रही हूँ। तो आपको पहुँच के बताऊँ, और शॉप की चाबी मैंने सुबह ही पहुँचा दी थी यहाँ से, क्योंकि हमारा घर 7 किलोमीटर दूर है। तो घर में आ पाए और सीधा शॉप ही पर आए, तो मैंने चाबी सुबह ही पहुँचा दी है। तो अभी मैं जा रही हूँ और मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे मार्केट में धूप कम आती है, तो मैं थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर दी है स्कूटी, और मैं थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ। और ये है हमारा नंदा नगर घाट मार्केट, जहाँ हमारी शॉप है। तो वहाँ अभी धूप नहीं आई है, तो मैं आपको सीनरी दिखा रही हूँ। तो गाइस मैं शॉप पे पहुँच चुकी हूँ, और मैं वहाँ पे सामान लगा रहे हैं। मैंने कैमरा मोबाइल यहाँ पे रख दिया है, अब मैं उन्हें मिल रही हूँ। तो ये है, आ गए हैं। ये मैंने यहाँ पे नाश्ता ला रखा था उनके लिए, वो अब नाश्ता करेंगे। नाश्ता दिखाऊंगा, सीधा नाश्ता ही देख रहे हैं, भूख लग गई है उनको बहुत ज्यादा। कल रात से खाना नहीं खाया है, इसलिए ये चाय ला रखी, इसमें रोटी, इसमें 2 सब्जी ला रखी मैंने। एक में हरी सब्जी है और एक में तोरी की सब्जी है एक में। तो पहले सीधा नाश्ता ही देख रहे हैं, इतनी भूख लग गई। और कुछ सामान वो अपने साथ लेके आए हैं, तो इसमें ये ला रखी है बच्चों की कोट पैंट ला रखी है ये, और यहाँ पे कुछ सामान कॉस्मेटिक का लाए हैं। और कॉस्मेटिक में जैसे झुमके और ये सारी चीज़ें अभी लेके आए हैं। कॉस्मेटिक का नेल पेंट हो गई, चूड़ी हो गई, और ये सारी चूड़ियाँ वो अपने साथ लेके आए हैं। और कपड़े उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर रखे, लेकिन कुछ सामान ये लेकर आए हैं। और ये बच्चों के कोट पैंट हैं, ये बच्चों के कोट पैंट लेके आए हैं। और ये है, और नहीं अभी नहीं पहुँचा। और ये कुछ साड़ियाँ लेके आए हैं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी बहुत सुंदर साड़ियाँ लेके आए हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट में डाल रखा है। और कुछ ये लेके आए हैं, ज़्यादातर कॉस्मेटिक का सामान अपने साथ लेके आए हैं, और कपड़े कुपड़े उन्होंने ट्रांसपोर्ट में डाल रखा है। और ये हैं, क्या है, क्या है, क्या है, कानों के रिंग ला रखे हैं बहुत अच्छे से, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए, ये वाले और ये वाले, और गले के सेट भी ला रखे हैं कुछ। तो बहुत सारा सामान आया है आज, बहुत ज़्यादा सामान लेके आए हैं, कुछ सेट कर लिए हैं हमने। और इतने जो इयर रिंग ला रखे कान के, इनमें से मुझे ये वाले बहुत पसंद आए, तो मैंने अपने कानों में पहन के देख लिया है।
मैंने अपने कानों में डाल लिया है और ये वाले मैं अपने लिए रखूँगी सबसे पहले, और ये यहाँ रखूँगी, सेट करूँगी इसे। उसके बाद मैं ये भी पहनने वाली हूँ, लेकिन इसे मैं अपने लिए नहीं रखूँगी, पर गले में पहन के देख लूँगी पहले कैसे लग रहा है। आज वो बहुत सारे सेट लेके आए हैं गले और कान के, और ये भी सेट है और ये भी है, हर प्रकार के सेट ला रखे हैं उन्होंने। उनमें से एक सेट मैंने पहन लिया है, अपने गले में डाल दिया है, तो मैं कैसे लग रही हूँ ये देख रही थी मैं कि मैं कैसे लगती हूँ, तो मैंने एक सेट तो मैंने पहन लिया है। और हस्बैंड बैठे हैं वहाँ पे पतिदेव जी, तो उनको भी पूछ लेती हूँ मैं कैसे लग रही हूँ, पता नहीं चिड़ेंगे मेरे पैर कि क्या करेंगे, पर एक चक्कर में पूछ लेती हूँ कैसे लग रही हूँ। कनेला गोनियो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल गर्ल। तो चिड़े नहीं हुआ, अच्छे से ये बोला उन्होंने, चिड़े नहीं, वैसे तो चिड़ते हैं, पर आज ये ठीक ढंग से बोला कि अच्छी लग रही है। अब मैं ये उतार देती हूँ, प्रणाम। जाओ जाओ, वैसे तो मेरे लिए आज ठीक ठाक रखा है, तो वो दिखाना नहीं चाहते हैं, कब पहुँचे और घर जाके दिखाएंगे। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे आज गिरफ्तार रखा है और बोल रहे हैं कि घर जाके दिखाऊंगा, लेकिन यहीं पे दिखाने के लिए बोल दिया है मैंने, तो दिखा रहे हैं क्या ला रखा है, देख लेते हैं। ये बैग है और इसमें क्या ला रखा होगा देखने के लिए। कोट आ रखी है गिफ्ट में, ये कोट आ रखी है मेरे लिए गिफ्ट में, और इसको इसको मैं पहन के देख लूँगी अब कि कैसा लग रहा है। तो मेरी फिटिंग की कोट है ये, पूरी मेरी फिटिंग की कोट आ रखी है ये। तो मैं इनको बताऊं मैं कैसे लग रही हूं, गिफ्ट च गिफ्ट। और ये कोट मेरे को आ रखी है, तो बाहर से लोग बोल रहे हैं कि अच्छी लग रही है, और तब बता रही मैं उनको कि गिफ्ट ला रखा। तो ठीक ही लग रहा है मेरे पे ये, और मुझे पसंद आई है ये कोट, और मुझे गिफ्ट अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हस्बैंड जी का। गिफ्ट में जो भी चीज़ आती है वो अच्छी ही लगती है, चाहे कुछ भी हो, गिफ्ट आया हुआ हो तो अच्छा ही लगता है। तो मेरे को पता भी नहीं था कि आज मेरे लिए गिफ्ट आने वाला है, लेकिन ये सरप्राइज किया है उन्होंने मेरे लिए, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कोट आने वाला है, तो उन्होंने मुझे कोट ही ला रखा है गिफ्ट, क्योंकि आजकल ठंडों का सीज़न ज़्यादा चल रहा है, ठंडा बहुत हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कोट ला के दिया है। मुझे बहुत पसंद आया है और खुश भी हूँ मैं कि मुझे कोट आ रखी है गिफ्ट में।